डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे रियल नंबर्स से, जो कि चैप्टर वन है। रियल नंबर्स को पहले जानते हैं, बताएंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स को समझने के लिए रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, जो कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, ओके, और रेशनल नंबर्स से पीछे अगर जाएंगे तो नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, पहले ये बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, देन होल नंबर्स, इंटीजर्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स, देन रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड देन रियल नंबर्स। तो जो आपका चैप्टर है वो है रियल नंबर्स का, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर्स, व्हिच नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ओके, ये आपको देखना है। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा, 1, 2, इनके बीच के जैसे नंबर्स है 1.5, 2.5, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स क्या है, और नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं ये, और नंबर्स यहाँ लिख दीजिए, नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ओके। आगे जब जाएंगे तो इसके जब आप सेट पढ़ेंगे तो इसको सेट के रूप में सारे नेचुरल नंबर का एक सेट बना देंगे। नेवर माइंड, आप इतना जानिए कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4 ये, राइट। जब होल नंबर्स की बात आती है, होल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जीरो और इंक्लूड कर दीजिए, राइट। ये नंबर्स, द नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जीरो और इंक्लूड हो गया, तो जीरो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं। तो नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। इसका मतलब जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स भी कहलाते हैं, ध्यान रखना है। नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड होल नंबर्स, राइट, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो और जीरो होल नंबर्स तो है बट नेचुरल नंबर्स नहीं। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स, ओके, इंटीजर्स ये सब छोटे क्लासों में आपका पढ़ा हुआ है, बट मैंने सोचा इसको थोड़ा आपके लिए रिपीट कर दूं, क्योंकि रियल नंबर्स आपका चैप्टर है, ओके। इंटीजर्स में द नंबर्स कौन से नंबर्स, ध्यान रखना है, द नंबर्स 0, ±1, ±2, ±3, ±4, मतलब +1 भी -1 भी, दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मतलब इधर भी नेगेटिव की तरफ चले जाइए, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, और जीरो से इधर जाइए, 1, 2, 3, 4 ये, राइट। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स हैं, ओके। गौर करिए, ये जो होल नंबर्स लिखा था, दीज आर आल्सो इंटीजर्स, ओके। तो आप होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स और जोड़ दीजिए, -1, -2, -3, तो ये हो जाते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को चार भागों में हम, देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ द इंटीजर्स, वी कैन क्लासिफाई इंटीजर्स इनटू फोर पार्ट्स, चार भागों में हम इसको बांट सकते हैं, फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इन्हीं इंटीजर्स में से देखिए, अगर हम पॉजिटिव नंबर्स को निकाल रहे हैं, कौन कौन से नंबर्स, द नंबर्स कौन से नंबर्स पॉजिटिव कहाँ से है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। गौर करिए, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर्स पे, इसका मतलब नेचुरल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो व्हाट आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिए और चाहे इसको नेचुरल नंबर्स बोलिए, एक ही बात, ओके।
वन टू थ्री नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ये हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ओके ध्यान देना है नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स यानी से नेगेटिव नंबर्स ले लेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स द नंबर्स कौन कौन से नंबर्स, जो स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं था वो ध्यान रखें इसे, द नंबर्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर एंड सो ऑन और कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। ये कौन से हैं, नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स। ओके ये सारे आपके क्लास में चुके हैं, कहीं किसी ना किसी क्लास में पढ़े हुए हैं। ओके नाउ इवन इंटीजर्स, आप जानते हैं इवन नंबर्स द नंबर्स व्हिच कैन डिवाइड बाय 2, जिन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर पाए दे आर इवन इंटीजर्स, एंड व्हिच कांट बी डिवाइडेड बाय और 2 और कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो इवन इंटीजर्स में देखिए इवन इंटीजर्स ध्यान रखना है सबको, व्हिच आर इवन इंटीजर्स, 0 इवन माना जाता है, प्लस 2 भी माइनस 2, प्लस 3 और माइनस 3, प्लस 5 सॉरी 4 प्लस माइनस 6 प्लस और माइनस 6, ये जो है नंबर्स क्या कहलाते हैं और कॉल्ड, ये सब के सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, प्लस 2 भी माइनस 2 भी और कॉल्ड इवन इंटीजर्स, ये इवन इंटीजर्स हैं राइट। ऑड इंटीजर्स कौन से हो गए, ऑड इंटीजर्स व्हिच आर ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स कौन से ऑड इंटीजर्स हैं, प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 3 और माइनस 3, ये 2 से डिवाइड ना होने वाले नंबर्स हैं, प्लस माइनस 7 एंड सो ऑन, ये आर कॉल्ड क्या हैं, ये ऑड इंटीजर्स आर कॉल्ड ऑड इंटीजर्स। ओके क्या क्या देखा आपने, नेचुरल नंबर्स देन होल नंबर्स देन इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स इवन इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स। अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर्स, कौन से नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, आपने अच्छी तरह से इसको पढ़ा हुआ है बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेशनल नंबर्स। ओके रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स द नंबर्स व्हिच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिन भी नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाए, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। देखिए द नंबर्स व्हिच कैन रिटन पी अपॉन बी लिखिए या पी अपॉन क्यू लिखिए, नेवर माइंड, द नंबर्स व्हिच कैन रिटन the form of A upon B where A and B are integers and Q is not equal to 0, B is not equal to 0, in fact A upon B here, B is not equal to 0 are called rational numbers। okay rational numbers यानी जितने भी fraction के रूप में आप लिखते हैं, okay जैसे हमने लिखा 2 अपॉन 3 एक रेशनल नंबर है, क्यों रेशनल नंबर है, 2 और 3 दोनों इंटीजर्स हैं और नीचे की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है अगर 0 नीचे रहेगा तो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए माइनस 3 अपॉन 7 ये भी रेशनल नंबर्स है। ओके 2 अपॉन 9 नीचे निगेटिव लगा दिए, देखिए दोनों इंटीजर्स हैं नीचे के नंबर 0 नहीं है, 7 और 7 अपॉन 1 लिख सकते हैं, हर एक तो इंटीजर्स को अपॉन 1 में लिख सकते हैं, तो एवरी इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स, ध्यान रखना है हर एक इंटीजर्स, क्योंकि हर एक लिखे 7 इंटीजर था, माइनस 5 अपॉन 1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म का हो गया राइट, 7 इंटीजर भी था अपॉन 1 लिख दिया रेशनल नंबर्स हो गया, तो ये क्या है और रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं ये, तो जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं जहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो इंटीजर्स हो तो रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके एंड इरेशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स भी बता देते हैं इसको, इरेशनल नंबर्स
जो भी अपॉन क्यू के फॉर्म के ना लिखी है, समझ सके? ओके, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ओके, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट रिटर्न, व्हिच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, जो a अपॉन b के ना लिखे जा सके, ओके, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए देखिए, रूट टू अपॉन थ्री, देखिए आपको लगता है कि ये p अपॉन q के फॉर्म का है, लेकिन p अपॉन q के फॉर्म में p और q, a अपॉन b के फॉर्म का, लेकिन a और b दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, बट रूट टू इंटीजर्स नहीं है, इसलिए a अपॉन b का फॉर्म नहीं कहा जाएगा, या p अपॉन q के फॉर्म का नहीं कहा जाएगा, इसलिए क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। सिर्फ हम रूट टू लिख दें, रूट टू अपॉन वन, ये भी a अपॉन b का फॉर्म नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दोनों जगह इंटीजर्स नहीं है, यहाँ भी इंटीजर होना चाहिए, यहाँ भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है, दोनों जीरो तो नहीं है, बट यहाँ दोनों जगह, यहाँ तो इंटीजर है लेकिन यहाँ इंटीजर नहीं है, दोनों जगह इंटीजर होता तब जाके ये रेशनल नंबर होता, अब चूंकि यहाँ इंटीजर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर हुआ। अब रूट थ्री, रूट फाइव, देखिए अपॉन वन लगा के सब ए अपॉन बी का फॉर्म हो जाएगा, बट रूट टू, रूट थ्री, ये सब के सब क्या है, इरेशनल नंबर्स है, ध्यान रखना है, और इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में भी हम लोग आगे की एक्सरसाइज में थोड़ा देखेंगे, इनको प्रूव करेंगे कि दिस आर नॉट इरेशनल, इस तरह का इरेशनल नहीं हो सकते, इरेशनल नंबर्स है। तो इसका मतलब उन्होंने अभी अभी जस्ट दो तरह के नंबर्स देखे, कौन कौन सा, रेशनल एंड इरेशनल। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, यानी अब तक जितने आपने नंबर्स देखे हैं, मैंने बताया वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स में रेशनल भी है, इरेशनल भी है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जो भी नंबर्स आपने देखे हैं, चाहे वो रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, इंटीजर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी ये भी रियल नंबर्स हैं, इसके पहले जो फ्रैक्शनल नंबर्स थे जिन्हें हम रेशनल नंबर्स कह रहे थे, वे भी रियल नंबर्स हैं। तो ऑल अबव नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, यानी जितने भी नंबर हमने लिखे हैं, ऑल अबव नंबर्स आर कॉल्ड, या ऑल डिस्कस्ड नंबर्स, जितने भी ऑल नंबर्स, जो सच नंबर्स, सब जो हमने ऑल अबव नंबर्स जो भी हमने डिस्क्राइब किया है, चाहे वो रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ध्यान रखना है, रियल नंबर्स आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि रियल नंबर्स में सभी जो अब तक के नंबर्स देखे हैं वो सभी के सभी क्या हैं, और रियल नंबर्स। ओके, रूट टू, रूट थ्री, फाइव अपॉन फोर, थ्री अपॉन सेवन, टू, फाइव, नाइन, माइनस अलेवन, माइनस ट्वेल्व, जितने भी नंबर आपने अभी देखे हैं, दे ऑल आर रियल नंबर्स। ओके, अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे। ये तो चैप्टर के बारे में रहा, चैप्टर था रियल नंबर्स, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, देखा है। अब हम लोग को देखना है पहले एक्सरसाइज के फॉर्म में, देखिए आप एक हम पहले ही बता दें कि जब किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जैसे हमने कोई नंबर ले लें, ओके, जैसे हमने 52 ले लिया, ओके, इसको 7 से डिवाइड किया, तो ध्यान दीजिए हम इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा, या उसी को मोर इम्पोर्टेंटली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ओके, क्या उन्होंने बताया था, ये ध्यान देना है कि 7 से डिवाइड करें तो 7 जा, या हम थोड़ा सा दूसरा नंबर ले ले रहे हैं 47, तो 7 जा कितना हो गया 42, 5। तो इसे कहते हैं डिविडेंड, 7 क्या है डिवाइजर, ये क्या है कोसाइन, और ये क्या है रिमाइंडर। ओके, तो हम 47 को लिख क्या सकते हैं, ध्यान रखिए 47 को 7 × 6 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 7 से कम रहेगा, ध्यान रखना है,
जीरो ही रिमाइंडर हो सकता है या जीरो से बड़ा बट सेवन से छोटा रहे। ओके तो यहाँ पे देखें, तो अगर हम यहाँ पे इंटीजर्स ले लें, पॉजिटिव इंटीजर्स इनफैक्ट ले लें, उनको किसी नंबर से डिवाइड करें, इस फॉर्म का बताया था यूक्लिड ने, ओके ए बी में लिखिए या पी क्यू में लिखिए, तो उन्होंने जो बताया था वो लिख दे रहे हैं कि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी हों, राइट, तो दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, इनफैक्ट वो भी यूनिक होंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, सच दैट, जो हम सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको ध्यान रखिएगा। ओके इसमें बता दे रहे हैं यूक्लिड EUCLID यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखिए इसको लेवा भी लिख देते हैं एल्गोरिथम की जगह, मोर इम्पोर्टेंट ये एल्गोरिथम ही बोला जाता है, क्वेश्चंस वगैरह में भी इसे एल्गोरिथम ही देंगे, ध्यान रखना है। तो मान लिया फॉर गिवन, देखिए कैसे उन्होंने बताया था, क्या बताया था, जो अभी उन्होंने डिवाइड करके दिखाया था उसी फॉर्म में यूक्लिड ने अपनी एल्गोरिथम को बताया था। ओके फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, ध्यान रखना है इसे, यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देयर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और आर की जो वैल्यू होती है वो बी से छोटी रहती है जीरो। ओके क्या होता है कि एंड आर जो होता है वो जीरो से इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ी होती है, किसकी वैल्यू आर की, बट लेस देन बी होता है, ये ध्यान। अब ये जो बताया था, ये देखिए क्या हो गया, डिविडेंड बी हो गया उसका डिवाइजर, क्यू कह सकते हैं कोसेंट और आर क्या हो गया रिमाइंडर। अभी जैसे हमने किसको लिखा था, 47 को लिखा था, याद होगा क्या लिखा था, 6 × 7 7 से डिवाइड किया था और रिमाइंडर कितना बचा था 5। देखिए ये ए की जगह हो गया, ये बी की जगह हो गया, ये क्यू हो गया, ओके राइट, तो जो डिवाइड किया था 6 था, 7 × 6 था, 7 से डिवाइड इनफैक्ट किया था हमने, तो ए की जगह 47 हो गया, 7 से डिवाइड किया था वो बी हो गया, और मतलब ये हुआ यहाँ से कि अगर हम ए को डिवाइड करें किससे, बी से, तो यहाँ क्यू आएगा और यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या हो गया, आर हो गया। यही था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके हर एक नंबर्स के लिए कहा गया है कि ए और बी क्या हो, देयर आर टू पॉजिटिव फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, दो इंटीजर्स हैं, कौन कौन से, ए एंड बी, ये छूट गया था, इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, समझिए ये बी डिवाइजर, ए डिविडेंड जिसको डिवाइड करते हैं, क्यू कोसेंट हो गया, आर क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, तो क्यू कोसेंट और आर रिमाइंडर, जैसे ऐसे ही हमने पहले 47 को डिवाइड किया था, ओके 7 से डिवाइड किया था, कोसेंट 6 आया था, क्यू की वैल्यू 6 थी और रिमाइंडर क्या था 5, ये 5 जो आएगा यहाँ पे वो 7 से हमेशा और छोटा रहेगा, 6 तक आए रिमाइंडर 6 से ज्यादा, जैसे 48 लेते थे यहाँ 6 7 नहीं आ सकता क्योंकि वन टाइम डिवाइड हो जाए। ओके इसी का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज के आधार पर एक्सरसाइज दी हुई है, राइट, और इसी का यूज करते हुए इसके यूजेस क्या है, वी कैन फाइंड द एचसीएफ, ओके बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, राइट, ये ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड है, इट मींस बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी कैन फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 और 3, जितने भी नंबर्स होंगे उनका हम एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहली एक्सरसाइज आज ले रहे हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सरसाइज आप लोगों को दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्वेश्चन नंबर 1 यही लिखा हुआ है, देखिए
एक्सरसाइज 1.1 है, देखिए क्या दिया है एक्सरसाइज 1.1। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 है, ओके एक्सरसाइज 1.1। और एनसीईआरटी करने का मतलब आप अदर राइटर्स की जो बुकें आती हैं उनका भी कर सकते हैं। बाद में हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए बोर्ड के क्वेश्चंस या अदर राइटर्स के भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट होंगे, ओके उनको भी इनमें हम क्लास में इंक्लूड करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके इस चैप्टर के बारे में, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1.1 का, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है यूज और डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोगों ने पहले भी इसका निकाला हुआ है एचसीएफ ऑफ, ऐसे लिखा हुआ है। इन्होंने फर्स्ट पार्ट में जो दिया किसी भी दो नंबर या तीन नंबर का आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी ने टेबल टू ही नंबर दिए 135 है, 135 एंड 225, ओके ये है। देखिए जब रिमाइंडर जीरो आ जाए, जैसे अभी हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम में ये लिखा था a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, जब ये r की वैल्यू जीरो आ जाए, रिमाइंडर जीरो आ जाए, राइट, उसी समय हमारा HCF आ जाता है। इस प्लेस पे जो वैल्यू आती है b के प्लेस पे, जब रिमाइंडर जीरो होगा उसमें बी के प्लेस पे जो वैल्यू होती है वही एचसीएफ होती है दोनों नंबर्स का, किसका किसका, ए एंड बी का, राइट, ए एंड बी का। इसमें जो छोटा नंबर होता है उसे देखिए किसे 225 को 135 से डिवाइड करते हैं, मतलब इसे बी ले लेते हैं और बड़े नंबर को ए ले लेते हैं और डिवाइड। देखिए बुक में दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, हम बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, कि जो बड़ा नंबर है उसको ये है यूक्लिडी 225 को डिवाइड कर, किससे डिवाइड करिए 135 से, ओके वन टाइम्स जाएगा, आप देख रहे हैं 135 रिमाइंडर जीरो, ओके 5 में से 5 जीरो आ जाएगा, 12 भी कितना गया 90, राइट। अभी जीरो नहीं आया, जब तक ये रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक हम एचसीएफ नहीं बता सकते। अब क्या करते हैं, जो यहाँ डिवाइजर था उसको डिविडेंड बना देते हैं, मतलब क्या हुआ फिर से 90 को 90 से, अब ये जो रिमाइंडर है इससे इस डिवाइजर को दोबारा डिवाइड करते हैं, यही हर बार करते हैं, यानी कि रिमाइंडर से डिवाइजर को हर बार डिवाइड कर देते हैं, ओके। देखिए जब 90 से करें तो 1 टाइम्स फिर आएगा, कितना हो जाएगा 95, और यहाँ कितना हो गया फिर से देखिए 13 में 9 4, और फिर से रिमाइंडर से अपने डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 45 से, फिर से डिवाइड कर दिए किसको 90 को, 2 टाइम्स जाएगा 90, रिमाइंडर क्या आ गया 0। रिमाइंडर जैसे ही 0 आएगा तो जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ, क्या काम है देख लीजिए, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड किया, ओके इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 225 is equal to 135 into 1 plus 90, right? फिर हम 90 से किसको डिवाइड करेंगे 135 को, तो यहाँ देखिए 135 को क्या लिख सकते हैं, कितने टाइम्स किया था 90 से डिवाइड किया था 1 टाइम्स किया था, रिमाइंडर कितना बचा था 45। अब फिर जब हम 90 को डिवाइड किया था 90 is equal to किसे डिवाइड किया था 45 से, तो 45 से डिवाइड किया था 2 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तब यही कहलाता है एचसीएफ। यही तो बात हुई अभी जो हमने शुरू में एक एग्जांपल लेके बताया था कि ओके तो 225 को 135 में 1 टाइम्स गया था रिमाइंडर 90, अब इस 90 से डिवाइड करेंगे किसको 135 को, तो 45 जैसे ही ये समझिए जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया यही 45 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 135 और 225। Therefore, SCF of, हम SCF of किसके किसके SCF 135 and 225 is
45। इस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम लोगों ने एचसीएल फाइंड आउट। ओके, हो सकता है ये स्टेप बढ़ा भी जाए जैसा क्वेश्चन और नंबर्स दिए होंगे, मेथड यही है। ओके, तो इस बुक में तीन पार्ट दिए हुए हैं। ओके, चलिए एक और बता देते हैं। वैसे तो सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन में भी एचसीएफ ही निकालता है, बट यहाँ देख लीजिए एक और बताते हैं। ओके, एक और पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था। अब जरा एक और पार्ट बता रहे हैं, चलिए सेकंड या थर्ड में से कोई बता देते हैं। चलिए सेकंड पार्ट में देख लीजिए, थोड़ी बड़ी लिखी थी, आप लोगों को डर लगेगा। सेकंड पार्ट में एचसीएफ ही निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, कितना दिया है 196, एचसीएफ ही निकालना है। 196 किसका यूज करते हुए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। और सेकंड नंबर दिया है 38220, राइट। अभी बताया था कि बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं, और उसी तरह से रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते चले जाते हैं और डिवाइजर को डिविडेंड बना। चलिए सबसे पहले 196 से डिवाइड करें, देखते जाइए 196 को से ये डिवाइड करेंगे 38220 को। इसमें आप देख रहे हैं कि कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा 196, 12 में यहाँ 6 हो गया, और यहाँ से बचेगा 17 में 9, 86, यहाँ से 186। अब ब्रिंग डाउन टू, नीचे लाइए 2 को, फिर देखिए इसमें कितनी बार जाएगा। आई थिंक 9 टाइम्स जा सकता है, देखते हैं 196 into 9। चला जाएगा 9 टाइम्स ले गए, देखिए इसे 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 9 6 54, 5 आ जाएगा, 9 9 81 5 56, 8 आ जाएगा, 9 1 19 1 9 1 9 और 8 और कितना हो जाएगा 17, माइनस कर दीजिए यहाँ 8 और 15 में 6 करेंगे फिर से 9 आ जाएगा यहाँ 7 98 है। ओके, अब देखिए 98 अभी 0, ब्रिंग डाउन 0, अब देखिए कितनी टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जा सकता है, 5 6 30 और 5 9 45 3 48 और 5 5 88, कंप्लीटली चला जाएगा 5 टाइम्स। ओके, तो 5 6 30 5 9 45 और 3 48 4 और 5 4 9, देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में रिमाइंडर क्या आ गया 0, राइट। इसका मतलब देयर फोर 38220 कैन बी रिटन एज 196, और कितने टाइम्स गया था 195, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अतः देयर फोर यहां एचसीएफ आ गया, क्वेश्चन देखने में बड़ा था बल्कि वन अटेम्प्ट में ही आंसर आ गया। देयर फोर रिक्वायर्ड एचसीएफ कितना हो जाएगा, किससे डिवाइड करने पे, 196 से डिवाइड करने पे 0 आ गया था, इसका एचसीएफ 196। ओके, तो देखने में बड़ा क्वेश्चन था बट इजीली लग गया, तो आप इसके एक पार्ट और बचता है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, इसका ध्यान देना है, इसी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है सभी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है ध्यान देना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 2 है so that any positive odd integer or integer is of the form 6q+1 or 6q+3 or 6q+5 where q is some integer, q
is sum integers. Okay. ध्यान रखना है इसे। देखिए ये तो इन फैक्ट यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम ए कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें और बी को 6 लेना है, ओके, तब आर की वैल्यू कौन सी होगी ये ध्यान रखना है। कहाँ तक अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, देखिए हमने मान लिया कैसे इसको सोल्यूशन करना है, ध्यान दीजिए। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, याद होगा हमने अभी बताया था यूक्लिड में, पॉजिटिव इंटीजर, देन एंड टेकिंग एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड टेकिंग बी इज इक्वल टू 6, देन बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए हमने बताया था ना बी की वैल्यू ये था, डिवीजन एल्गोरिथम ये था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। तो बी की वैल्यू तो इनफैक्ट क्या, देखिए यहां से मिल गया 6 ले लिया, यहां पर हमने ले लिया बी इज इक्वल टू 6, तो इसका तो ए इज इक्वल टू 6 क्यू और प्लस आर। आपको बताया था जिससे डिवाइड करेंगे आर की वैल्यू उससे छोटी रहेगी, तो वे है आर इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं वेयर आर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, जीरो हो सकता है, 6 नहीं होगा, 6 से छोटा रहेगा, अभी बताया था जिसे डिवाइड करते हैं उसे छोटा बना रहेगा, तो जीरो होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5, ये इनमें से कोई हो सकता है, आर की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, रिमाइंडर 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 तक ही रिमाइंडर आ सकते हैं, 6 नहीं आ सकता, ओके, ये बताया था अभी यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम में। तो हम क्या करेंगे बारी बारी से ए की वैल्यू जिसे हम निकाल, एक बार जीरो लेंगे आपकी, एक बार वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, फोर और फाइव लेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसमें आर की वैल्यूज लेंगे, ओके, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, पहले आर की वैल्यू जीरो लेंगे रखेंगे तो 6 क्यू, राइट, आर की वैल्यू और में लगा दे रहे हैं, और a is equal to r की वैल्यू 1 भी आ सकती थी, तो 6q+1, और a is equal to 6q+2, और a is equal to, अब 3 रख दें, इनमें से कोई एक आ सकता था, इसीलिए लिख रहे हैं 6q+3, और a is equal to 6q+4, और a is equal to 6q+5, राइट। अब आप इनमें से देखिए 2 से कौन कौन डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से 2 से जो डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, ऑड नहीं होते हैं, और इन्होंने ऑड इंटीजर्स की बात किया कि ऑड इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, तो इसमें कौन कौन से इवन, ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये इवन नंबर है, इसे छोड़ दें, ये भी इवन नंबर है, पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी इवन नंबर है, तो ऑड कौन से नंबर हुए, बट यहां हम लिख देंगे बट कौन कौन से इसमें इवन नंबर्स हैं, a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q+2, एंड a इज इक्वल टू 6q+4 आर इवन इंटीजर्स, ये इवन है, तो इसका मतलब ऑड कौन कौन से बचे, ये और ये, इसका मतलब ऑड किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इन तीनों के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, right, therefore every odd integers, every odd positive integers can be written in the form of, and the odd ke liye kaun sa form bacha, jab ye even ho gaya, ye even ho gaya, ye even ho gaya, to odd ke liye form teen hi to bache, isliye teenon form ko hi prove karna tha hame, every odd positive integers can be written in the form of 6q+1 or 6q+3 or 6q+5, yahi question mein prove karna tha, okay, jo other theory hai wo to even hai, to odd pe form yahi the theme bache, isliye
ऑड इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इस तरह से हम लोगों ने प्रूव किया। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन फैक्ट वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। कैसे एचसीएफ निकालना है, क्वेश्चन क्या दिया है ये समझिए। ओके, क्वेश्चन समझना है पहले, क्वेश्चन दिया क्या है। एनी आर्मी कंटेंडेंट, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर थ्री, एनी आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू बी मास्ट, मेंबर्स इज टू बी मास्ट, तो मास्ट करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ एन आर्मी बैंड ऑफ 42 मेंबर्स इन अ परेड, इन अ परेड। ओके, द टू ग्रुप्स आर टू बी groups are to march in the same number of columns, the same numbers of column, row और column में खड़े होते हैं। जैसे इस तरह के अगर हम numbers खड़े कर दें तो row कहलाता है, और इस तरह से जो खड़े होते हैं जैसे यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा आर्मी में, यहाँ खड़ा है, तो ये रो वाइज हो गया और ये कॉलम वाइज हो गया, इस तरह से होता है, राइट। तो ये कॉलम्स कहलाती हैं और ये क्या कहलाती हैं, रो कहलाती है। ओके, कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स of columns in each number of columns in which they require, in which they can march। अगर इस तरह का कुछ दिया है 616 मेंबर्स हैं और उनमें आर्मी बैंड के कितने मेंबर्स हैं 32, और इनको रो और कॉलम वाइज एडजस्ट करना है, तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं, तो ध्यान रखिए इन दोनों का एचसीएफ निकालना होगा। और एचसीएफ निकालने का अभी तरीका आपको बताया जा चुका था, यूक्लिड डिविजन एल्गोरिथम। तो कुल मिला के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था हम लोगों ने कि 616 और 32 का क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है, एंड दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च। ओके, ध्यान रखना है। तो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ, तो आप इस तरह लिखेंगे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स of columns in which they can march is equal to SCF of total number कितने थे 616 and दूसरा कितना दिया था 32। ओके, 32 था। अब कर सकते हैं कैसे था SCF निकालना है, 32 से वही Euclid division algorithm से 616 को डिवाइड करिए। देखिए इसमें 1 टाइम्स जाएगा 32, 9 यहाँ से बचेगा 2, 29, 6 को कैरी कर लीजिए और 3, 9 जा चला जाएगा, ये 9 टू जाए 18 और 9 थ्री जाए 27, 28 माइनस करिए 16 में 8 करेंगे 8 आएगा, यहाँ से भेज आया 8 से। अब देखिए ये रिमाइंडर है, इस 8 से फिर से किसको डिवाइड करेंगे, डिवाइजर 32 को,
8 4 जाता 32, यहाँ 0 आ गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया ये हो जाएगा उसका एसयूएफ, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 8, ये आंसर, ओके ध्यान रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना हो गया 8, ओके ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नाउ इसमें फोर्थ और फिफ्थ टोटल 5 क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज में है, तो फोर्थ और फिफ्थ एक जैसे हैं, ओके तो एक में स्क्वायर है एक में क्यूब है, चलिए दोनों क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ओके और देखिए क्या लिखा है फोर्थ क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड यूक्लिड EUCLID है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या वही डिवीजन एल्गोरिथम लेमा so that the square of any positive integers is either of the form प्लस वन, लेकिन क्यों ना देखे यहाँ पे एम देखिए, तो हम एम अपने आप इसमें पुट करेंगे फॉर सम इंटीजर एम, फॉर सम इंटीजर एम, ये है क्वेश्चन, राइट ध्यान देना क्या कहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर करें तो वो या तो 3m के फॉर्म का होगा, फॉर्म की बात की जा रही है, या तो वो 3m के फॉर्म का होगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म का, ये हमको प्रूफ करना है, जहां पे हम क्या है सम इंटीजर्स, सम इंटीजर, राइट। चलिए देखिए हम क्या इसमें करते हैं, एक हम पहले पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे और b की वैल्यू 3 लेंगे, क्यों 3m दिया था या 3m प्लस 1, यानी जो हम यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम बताए हैं उसमें बी की वैल्यू हम थ्री ले लेंगे, ए को पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे और दिखाएंगे कि ए कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या आप मानेंगे, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड टेकिंग b is equal to 3, क्यों 3 लिया आपने देखा था 3m या 3m plus 1 था इसलिए, therefore by Euclid's division lemma या division algorithm b की बात है lemma we can write a is equal to 3q plus r, जहां r की वैल्यू सिर्फ 3 से कम यानी 0 1 2 3 से कम ही होंगी 0 से लेके, r की वैल्यू या तो 0 होगी 1 होगी या 2, तीन वैल्यूज होंगी, ध्यान रखना है। अब इनके स्क्वायर कर दीजिए, किसका स्क्वायर कहा था, तो इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कर दें स्क्वायरिंग 1, या हम यहां से भी स्क्वायर कर सकते हैं, पहले r की वैल्यूज रख दें तब स्क्वायर कर सकते हैं, r की वैल्यू 0 रख दें, r की वैल्यू 1 रख दें, r की वैल्यू 2 रख दें, therefore a is equal to 3q r, क्योंकि r की वैल्यू 0 रख दिया और a is equal to 3q plus 1 और a is equal to 3q plus 2, बस ये तीन वैल्यू होंगी इनके स्क्वायरिंग, therefore इनके स्क्वायरिंग देखिए a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 q स्क्वायर,
राइट। तो इसका फॉर्म देखते चलते हैं, यही हम फॉर्म सेट कर रहे हैं। फ्री अगर ले लें तो क्या इसे हम फ्री क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये 3m के फॉर्म का हो गया, जहां m हमने किसकी जगह, ये भी इंटीजर होगा, कितना रख दिया m = 3q2। देखिए ये a स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का हो गया, 3m के फॉर्म का हो गया। ओके दूसरा स्क्वायर करें और a स्क्वायर = 3q+1 होल स्क्वायर। ओके तो इसका स्क्वायर करिए, 9q² a स्क्वायर प्लस 2ab 6q+1। ओके अब ध्यान दीजिए कि इसमें अगर हम 3 कॉमन ले लें तो यहां से 2q² प्लस 3q² प्लस 2q आएगा प्लस 1। ध्यान दीजिए इसकी जगह अगर हम m रख लें क्योंकि ये इंटीजर है, 3m+1। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, ये भी एक इंटीजर है, m की वैल्यू है 3q² + 2q। q इंटीजर है तो इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q इंटीजर है तो उसका q का ट्वाइस भी इंटीजर होगा, सब इंटीजर हो जाएगा है। अब ये तो अब इसके स्क्वायर का पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का फॉर्म क्या गया, 3+1, या तो 3m आया या 3m+1। इसको भी देखेंगे कि वही फॉर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी वही कर देंगे 3q+2 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दिया, देखिए 9q² + 6q+4। इसमें से क्या करें, इसे हम इनमें से 9q² + 6q+3+1, क्योंकि 3m+1 के फॉर्म का, इनमें हम 3 कॉमन ले, 3q² + 2q+1, ये देखिए प्लस 1, ये आपको फॉर्म दिखाना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर है वो 3m+1 के रूप का ही आएगा या 3m के रूप का आएगा, m प्रूव करना था राइट। तो देखिए यहाँ भी फॉर्म आ गया 3m+1, जहाँ पे अब m की वैल्यू कितनी है 3k² + 2q+1। तो हम लोगों ने क्या पाया कि जो तीनों फॉर्म आए थे, या तो 3q आया था, या 3k+1 आया था, या 3q+2 आया था, इनके स्क्वायर जो है या तो 3m के फॉर्म के हैं या 3m+1 के फॉर्म, राइट। देयरफॉर प्रूफ हो गया, एवरी जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप लिख देंगे, दैट्स the square of any, therefore square of any positive integer is either of the form 3m और 3m+1। एकदम इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन है, वहां स्क्वायर न करके क्या करना है, क्यूब करना है। ये क्वेश्चन स्क्वायर से बना है, वो क्वेश्चन क्यूब से बना है, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बड़ा भी होगा क्योंकि क्यूब करेंगे तो, चूंकि r की वैल्यू इसमें भी 0-1 ही होगी, इनको तीनों के क्यूब करेंगे। चलिए करके दिखा दे रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन सॉल्व कराने के बाद वो प्रॉब्लम्स दूर हो जानी चाहिए। वो क्यूब का फॉर्म है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बिल्कुल फोर्थ की तरह ही क्वेश्चन है, वहाँ स्क्वायर किया गया था, यहाँ क्यूब किया गया। जैसे उसमें स्क्वायर में आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्यूब में ए प्लस बी का होल क्यूब, ये तो याद है, नहीं चाहिए, अगर नहीं याद है तो याद रहना चाहिए, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब कर लीजिए, हालांकि बी की बात में लिख लीजिए 3a² b + 3ab² ये याद रहना चाहिए। ओके ये ध्यान रहना चाहिए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ हुआ है, यूज Euclid's division algorithm या division lemma,
language and lemma to show that the cube of any polynomial. यहाँ cube दे दिया, पिछले question में square दिया हुआ था, cube of any positive integer is positive integer is of the form nine m plus one or nine m plus 8. यहाँ either इनको लिखना चाहिए था question में, but नहीं लिखा है, तीन में है, इसलिए या तो ये form होगा या ये form होगा या ये form. Okay? लेकिन ध्यान रखिएगा cube की value, b की value 9 नहीं लेना है, 3m ही लेना है, क्योंकि cube करने पे ये 9 का form आ जाएगा. इस question में थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे स्क्वायर वाले में भी 3 लेना है और क्यूब वाले में भी 3 ही लेना है, ये ध्यान रखना. ओके, तो हम एग्जैक्टली उसी तरह से सॉल्व करेंगे. एकदम यहाँ पे क्यूब करना था, पिछले क्वेश्चन में उन्होंने स्क्वायर किया, तो क्या मान लेंगे सोल्यूशन में, लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने ए कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, एंड टेकिंग b is equal to इसमें b 3 ही लेंगे, therefore by Euclid's division lemma, taking b is equal to 3 ले लेंगे and by Euclid's division lemma a is equal to लिख सकते हैं 3 cube plus r, और बताया था ना 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 होगा 1 होगा 2 होगा, जो r की वैल्यू होगी वो 0 होगी 1 होगी और 2 होगी क्योंकि 3 से डिवाइड की, तो इसका मतलब इसमें वैल्यूज रख दें, देयरफॉर a की तीन वैल्यूज आई, कौन कौन सी, 3 cube plus 0 मतलब 3 cube, a is equal to अब 1 रखेंगे तो 3 cube plus 1, और r की वैल्यू 2 लेंगे तो a is equal to 3 cube plus 2, बस ये होंगे, बारी बारी से इनका क्यूब करते जाए और दिखा देंगे कि या तो 9m के फॉर्म का होगा या तीन फॉर्म है, 9m plus 1 का फॉर्म होगा या 9m plus 8 का फॉर्म, बस तो क्यूब करना है, अभी स्क्वायर किया था, देयरफॉर a क्यूब पहले वाले का क्यूब किया 9q² राइट, 9m पहला फॉर्म आ गया, वेयर m की वैल्यू कितनी ले लिया, q² ले, पहला फॉर्म आ गया 9m का, यानी इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका क्यूब 9m के फॉर्म पर, यानी पॉजिटिव इंटीजर का जो फर्स्ट फॉर्म आया वो 9m का फॉर्म आ गया. अब इसका करना अगेन, a क्यूब इज इक्वल टू आल्सो a क्यूब कितना हो जाएगा दूसरा वाला 3 plus 1 का होल क्यूब, अब वही बात बता दिया था 9q a क्यूब, यानी इसका क्यूब हो जाएगा 27 है, अब इसका क्यूब 1 आएगा जो कि बाद में लिखते रहे, प्लस इसका स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई, देखिए 3 ने ये लिखा था 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब और a क्यूब, इस ऑर्डर में कोई इसका a प्लस b के होल क्यूब इस फॉर्म में होलिएगा, देखिए पहले वाले का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई 27q² ओके, अब इसका स्क्वायर 1 ही होगा और 3 का 9q और प्लस 1 ओके, ये फॉर्मूला हमने लगाया था ध्यान. अब जो शुरू के तीन जो हम देख रहे हैं इनमें 9 कॉमन है, लिख लीजिए 9 कॉमन है, 27 को जब डिवाइड करेंगे q प्लस यहाँ 3q² प्लस यहाँ q प्लस 1, इसका मतलब अब इसकी जगह m रख देंगे 9m प्लस 1, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब अब किस फॉर्म में आया, 9m प्लस 1 के फॉर्म का आया, अभी तीसरा बाकी है वो 9m प्लस 8 के फॉर्म का आ जाएगा, चलिए उसका क्यूब करते हैं, and in the last and a q
क्यूब इज इक्वल टू इसका कर रहे हैं 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं 27 क्यूब प्लस, इसका स्क्वायर करेंगे 9 क्यूब स्क्वायर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 18, 3 जा कितना हो जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 3 जा 12 और 24 नहीं, इसका स्क्वायर कितना होगा 4, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 क्यूब और 3 से मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 आएगा, 36 क्यूब और प्लस इसका क्यूब 8 आ गया राइट। इनमें देख लीजिए फिर से वही कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे, 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब और प्लस 8, अब की एम की जगह कितना रख देंगे ब्रैकेट के अंदर की संख्या राइट, 9m + 8, तो 3 फॉर्म आया किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब के 3 फॉर्म आए, कौन कौन सा 9m या 9m+1 या 9m+8, देयरफॉर आप जवाब लिख देंगे वही जवाब जो प्रूव करना था, एवरी पॉजिटिव इंटीजर क्यूब ऑफ देयरफॉर क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है इज ऑफ द फॉर्म, या तो 9m के फॉर्म का आया था या 9m+1 के फॉर्म का आया था या 9m+8 के फॉर्म का आया था। इस तरह से हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताएंगे। ओके, वीडियो पसंद आई और उम्मीद करते हैं कि हमने पूरा प्रयास किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कोई स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स को बताइए कि वो इसको देख के फ़ायदा उठाए, और इतना सीखने के बाद आप किसी भी राइटर के बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, परेशान नहीं होना है, एनसीईआरटी बेसिक्स बुक होती है। हालांकि अन्य तरह के अन्य राइटर्स के कुछ क्वेश्चंस को भी हम कराने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर के, एनसीईआरटी वाले कम्प्लीट करेंगे। ओके, तो आज के क्लास में बस इतना ही, आप सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ओके, अब अगले वीडियो में बताएंगे जो, तब तक के लिए बाय।